मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों को बताता चलूँ, मैं संगम नगरी प्रयागराज से हूँ और मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। सत्यम मिश्रा इसलिए दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अब लड़कियों से विश्वास उठ गया है। और पढ़ता हूँ, कभी जज्बात लिखता हूँ कभी हालात लिखता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसकी बात लिखता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसकी बात लिखता हूँ, उसे मालूम है मैं बस उसे ही याद करता हूँ, उसे मालूम है मैं बस उसे ही याद करता हूँ, तभी कागज के हर पन्ने पे उसका नाम लिखता हूँ, तभी कागज के हर पन्ने पे उसका नाम लिखता हूँ। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लगता है अब मैं सफल हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे भी उन्हीं का हाथ है। मैं पढ़ता हूँ, उसकी माँ जो कहती है वही वो बात सुनती है, मेरे वो साथ मिल कर के कोई ना ख्वाब बुनती है, उसकी माँ जो कहती है वही वो बात सुनती है, मेरे वो साथ मिल कर के कोई ना ख्वाब बुनती है, मैं कहता हूँ मेरी माँ की बहू बन घर में आ जाओ, मैं कहता हूँ मेरी माँ की बहू बन घर में आ जाओ, वो सुनते ही मेरी बातें ना मुझसे बात करती है, वो सुनते ही मेरी बातें ना मुझसे बात करती है। मैं बताता चलूँ, मैं जितना याद करता हूँ वो उतना याद करती है, मैं इलाहाबाद रहता हूँ वो इलाहाबाद रहती है। मैं इसलिए बोला इलाहाबाद क्योंकि प्रयागराज है लेकिन मोहब्बत इलाहाबाद के समय की है। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं जितना याद करता हूँ वो उतना याद करती है, मैं इलाहाबाद रहता हूँ वो इलाहाबाद रहती है, हुए हैं दूर जब से हम ये दिल खामोश रहता है, हुए हैं दूर जब से हम ये दिल खामोश रहता है, न मेरे पास रहता है न उसके पास रहता है, न मेरे पास रहता है न उसके पास रहता है, बहुत दोस्त मेरे कहते हैं कि बहुत मगरूर हो गया हूँ, मजबूर हो गया हूँ प्यार के चक्कर में पढ़ के। तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत मगरूर हूँ मैं अब बहुत मजबूर हूँ मैं अब, उसे पाने की ख्वाहिश में स्वयं से दूर हूँ मैं अब, उसे पाने की ख्वाहिश में स्वयं से दूर हूँ मैं अब, मैं गाता था जो मंचों पर मोहब्बत के फसाने को, मैं गाता था जो मंचों पर मोहब्बत के फसाने को, मेरी हालत तो अब देखो कि दुखड़े गा रहा हूँ मैं, मेरी हालत तो देखो तुम कि दुखड़े गा रहा हूँ अब। अगली पंक्ति और ये लास्ट है, मैं पढ़ता हूँ, अगर मैसेज मेरी मेरे साथ होता क्या था, अगर मैसेज मैं कर मोहतरमा आप ध्यान दीजिए, अगर मैसेज मैं कर दूं तो कोई रिस्पॉन्स ना आए, जो उसको कॉल कर दूं तो वो मुझ पर ही भड़क जाए, अगर मैसेज मैं कर दूं तो कोई रिस्पॉन्स ना आए, जो उसको कॉल कर दूं तो वो मुझ पर ही भड़क जाए, समझ में ये नहीं आता, समझ में ये नहीं आता कि ये कैसी मोहब्बत है, अगर इजहार मैं कर दूं तो वो इनकार कर जाए, अगर इजहार मैं कर दूं तो वो इनकार कर जाए। मेरी कविता तो समाप्त हो चुकी लेकिन मैं चार लाइन हासिम फिरोजाबादी की कहता हूँ,
क्योंकि वो कविता ऐसा वो शायरी ऐसी लगती है कि जैसे मेरे ही ऊपर है। तो मैं पढ़ता हूँ, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था।